अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज आपने कितना नमक खाया तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है ना, आपके फैमिली में पूरे मेंबर्स पर कितना सॉल्ट आता है उसे एक महीने के तर्ज पर आप उसे कैलकुलेट कीजिए और अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंगली उसे वन डे के लिए निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि आपका पर डे का कंजप्शन हो सकता है 8 से 9 ग्राम से भी ज़्यादा था। क्या ये सही है या गलत है? चलिए हम देखते हैं आज के स्पेशल डाइट प्रोग्राम में जिसका नाम है डैश डाइट। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे डॉक्टर विकास फिटनेस पे। और हम हमारी कम्युनिटी के थ्रू आपके लिए लेकर के आते हैं जबरदस्त इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ जो आप जानते हैं हम केवल उसे रेक्टिफाई करते हैं और प्योरीफाई करते हैं ताकि आपके हेल्थ को और परफेक्ट किया जा सके। तो देखिए, डैश डाइट हम जो नाम आपको बता रहे हैं आखिर इसका पर्पज क्या? दरअसल यूएस की एक गाइडलाइन है, यूएस की डायट्री गाइडलाइन में, जिसमें कि वहाँ की एक इंस्टीट्यूट जो कि लंग्स हार्ट एंड ब्लड पर वर्क करती है, उन्होंने कहा कि हमें हाइपरटेंशन को स्टॉप करना और इसके लिए हमें एक डाइट को बनाना पड़ेगा। देखते हैं इससे स्टॉप होता है कि नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाइपरटेंशन को स्टॉप करने की, क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि मेडिसिन आर इनएविटेबल और हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड है, तो जिंदगी भर आपको मेडिसिन को खाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, खुद ही गाइडलाइन कह रही है कि आपको अपनी हाइपरटेंशन से निजात पाना पड़ेगा। यार तो क्या है डाइट? देखिए, डैश का फुल फॉर्म पहले समझते हैं। डैश का मतलब है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। और इसके अंदर में क्या क्या रखा गया है? इसके अंदर में 3 पॉइंट है कि आपको क्या हाई अमाउंट में लेना है, क्या मॉडरेट अमाउंट में लेना है और क्या आपको लो अमाउंट में लेना है। इसमें हम एक और चीज आपको बताएंगे कि वो लोग जो जिमिंग करते हैं, अच्छा खासा वर्कआउट करते हैं, उनके लिए इस सेशन से भी एक जबरदस्त उनको चीज मिलने वाली है, वो अपने डाइट में ऐड कीजिए। ये आपको रियली आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि वो लोग जो फिट हैं बावजूद, वो उनकी डाइट अच्छी है उसके बावजूद, उनके साथ में ऐसा क्या होता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। वैसे मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि हार्ट हेल्थ के लिए और क्या करना चाहिए, किस प्रकार के जूस एंड आपको प्रेफर करने चाहिए, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं डैश डाइट के बारे में। इसका पर्पस हाइपरटेंशन को स्टॉप करना, राइट? तो देखिए, सबसे पहला तो है कि हम अपने डाइट में सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करना है और इसे पर डे 3.5 ग्राम से ज्यादा नहीं होने देना है और कम से कम 1500 मिलीग्राम यानी कि 1.5 ग्राम तक आपको रखना है, ठीक है? तो 1.5 ग्राम से लेकर के 3.5 ग्राम इसका मैक्सिमम डोज है सोडियम का। तो आपको अपने घर में नमक का रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा अगर आपको हाइपरटेंशन से बाहर निकलना है तो। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि केवल जिनको हाइपरटेंशन है वही इसको समझे, जिनको हाइपरटेंशन नहीं है उनके लिए भी डाइट बहुत यूजफुल है, ताकि भविष्य में उनको हाइपरटेंशन ना हो, कोलेस्ट्रॉल उनके न बढ़े, उनको किसी प्रकार के हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम्स उनको ना आए, राइट? वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, इसमें अपनी डाइट में आपको क्या करना है, 4 to 5 times आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपको यूज करना है। इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है आपकी बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम, हाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रोवाइड करना, एंड दीज आर एंटी हाइपरटेंसिव मिनरल्स। यार तो इनका पर्पस यही है, अगर हाइपरटेंशन को दूर करना है तो मिनरल से कैसे हाइपरटेंशन को दूर किया जाए, राइट? और इसके अलावा ये तो हो गया फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, लेकिन हमारे को तो डाइट में हमें प्रोटीन्स भी चाहिए। तो प्रोटीन्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपको नॉनवेज खाना है? क्या आपको डेयरी प्रोटीन्स खाना है? तो डियर फ्रेंड्स, नो। इसका आंसर है आपको वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन्स या वेजी प्रोटीन को यूज करना पड़ेगा। लाइक आप बीन्स यूज करते हो, ग्राम्स यूज कर सकते हो, आप सोया यूज कर सकते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा वेजीज प्रोटीन्स को आपको यूज करना पड़ेगा, यानी कि वेजिटेरियन सोर्स से आपको यूज करना पड़ेगा। और आखिर ऐसा क्यों भाई? यस, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हमारे दोस्त यार हैं, वो जो जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, वो ज़्यादातर उन्हें ये डाइटरी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ नॉनवेज सोर्स प्रोटीन्स को यूज़ करें। एंड जाहिर सी बात है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स होते हैं, उसके साथ में कुछ एंटीऑक्सिडेंट ड्रिंक्स भी लेते हैं। तो जो प्यूरिन्स होते हैं वो मसल्स के बिल्डअप में मदद तो आपकी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्यूरिन्स होते हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनाते हैं। तो ये आपके बोन हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता, आपके किडनी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते हैं। तो वो आगे चलकर आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, राइट? तो डोले शोले बिल्कुल बनाइए, बनाना है भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज सोर्स पर आप टिक जाएं, आपको वेज सोर्स पर आना है। क्योंकि अगर आप नॉनवेज सोर्स के जरिए अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो पहला तो आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं वो, मैं रियली बता रहा हूँ, वो टेस्ट प्रेमी होते हैं, वो एडिक्टेड होते हैं, नहीं छोड़ सकते उनको, राइट? तो लेकिन वो क्या कर सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट्स एंड डेयरी फैट्स को यूज कर सकते हैं ना, मॉडरेट अमाउंट, यानी कि देखिए प्रोटीन्स वेज ज्यादा यूज कर रहे हैं लेकिन डेयरी प्रोटीन्स को लाइक दूध है, वे है,
अब पनीर है, इन्हें मॉडरेट अमाउंट में आप यूज कर सकते हैं, और सबसे कम अमाउंट में जो आपको यूज करना है वो एनिमल प्रोटीन को यूज करना है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि सारे प्रोटीन्स एक टाइप होते हैं। आप ऐसा प्रोटीन खा लीजिए तो आप हेल्दी हो जाएंगे, आप नॉनवेज खा लीजिए तो आप बॉडी शॉडी बना लेंगे। डैश डाइट यूएस की बहुत बड़ी डाइटरी गाइडलाइन में से एक है जो हेल्दी रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। और हेल्दी रहने में जो सबसे बड़ा अप्रोच आपको हार्ट के लिए लगाने की जरूरत है, बिकॉज डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत समय मिलता है, थायराइड के लिए बहुत समय मिलता है, और जबकि हार्ट के लिए आपको समय नहीं मिलता। कई बार एक अटैक दो अटैक कब आ जाए रात में आपको पता नहीं। तो मेरी जो ओल्ड जो मैंने जो एक तरीका बताया कि हार्ट पेशेंट अपने लिए क्या कर सकते हैं, उसे भी आप अप्लाई करें, और डैश डाइट को भी आप अप्लाई करें, आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा, अपनी फैमिली को आप बचा सकते हैं। राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़िए। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको नेचुरल डाइटरी अप्रोच में अगर आपको वेट लॉस करना है समझना है, तो आप जरूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, स्टे फिट, गुड डे, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, एंड विकास फिटनेस के साथ में जवान बने रहिए। बाय बाय।